बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समीना बाजी आज हाजिर है आपके लिए यूट्यूब पर लेकर मज़ेदार स्वीट गुलाब जामुन। बिल्कुल इजी पर आप नॉर्मल अंदाज में बनाएं और खाएं तो पता भी नहीं चलेगा बाज़ार के कि घर के हैं। ये तो आप लोग ट्राई करें, आए हम देखें मैं किस तरह बना रही हूँ। आज बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने डबल रोटी के जनाब कुछ पीस लिए हैं। अब हम इनके साथ देखें क्या करते हैं। इन डबल रोटी के जो पीस है, मैं इनके जो किनारे हैं देखें इनको हम काट के अलग करते जाएंगे और जो दरमियान वाला है वो निकाल लेंगे, इकट्ठे कर लेते हैं ताकि एक बार में जल्दी से हो जाए। देखें हम इनके किनारे किसी छुरी से, वैसे तो हाथ से भी उतार सकते हैं लेकिन हम इसको उतार रहे हैं। एक साइड उतर गया, अब दूसरी साइड उतारें। ये जो आप साइड उतार रहे हैं डबल रोटी के, इस्तेमाल हो सकते हैं आपके वो डबल रोटी के जो क्रम्स होते हैं उसके लिए। आप इसको सुखा लें धूप में और उसके बाद ग्राइंडर पे पीस के रख लें, बड़े ज़बरदस्त आपकी ब्राउन कलर के वो बन जाएंगे क्रम्स। और ये आप कबाब वगैरह बनाएं, जो भी बनाएं उसमें इस्तेमाल करें, इसको ज़ाया ना करें। बल्कि बाज़ औक़ात इसको दूध में पका के रखें तो ये नरम हो जाते हैं और ये बच्चे, छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। डबल रोटी का जो हलवा होता है उसमें हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ा अच्छे तरीके से। ये देखिए ये मेरे चार पीस हो गए और बाकी पीस भी मैं इसी तरीके से काट काट के अलग करती जाऊँगी। इसी तरह मैं सारे पीस जितने भी, मैं चाहे चार ले लूं चाहे आठ ले लूं, आपने जितने भी लेने ले लें आपकी। ये तो बहरहाल हम बना रहे हैं, मैं दिखाती चलती हूँ। और इसके अलावा समीना बाजी के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें, और बाजी समीना के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दरमियान वाले जो पीस हैं इनको हम तोड़ लें, या आप इसको ग्लेंडर भी कर सकते हैं तो बारीक हो जाएगा। ऐसे ग्लेंडर ही करना चाहिए था मुझे भी, लेकिन ठीक है मैंने इस तरीके से तोड़ लिया, छोटे छोटे पीस कर लिए। ग्लेंडर हो गई है कि आप एक सा ये, जब आप इसका आप आटा गूंदेंगे तो बड़ी अच्छी शक्ल तैयार होगी, बिल्कुल मुलायम जैसे होती है इस तरह हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा नीम गरम करके, तो ये बड़े अच्छे तरीके से अच्छा सा आटा गूंदेगा, मज़ेदार सा। देखिए थोड़ा सा मैंने डाला, तकरीबन एक चम्मच के करीब इसमें डाला है। ये देखिए नरम होगी डबल रोटी साथ के साथ ही, और अच्छे ज़रा सख्त हाथों से इसको पीसते जाएँ साथ साथ। ये दूसरा चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया, चाहे तो आप इसमें खाने वाला सोडा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आधा छोटा जो चाय का चम्मच होता है वो डाल लें। इस तरह आपकी ये जो हम तैयार कर रहे हैं रेसिपी गुलाब जामुन, तो ये बड़े नरम बनेंगे जब आप शीरे के अंदर डालेंगे तो फूल के बड़े भी हो जाएंगे और नरम भी बन जाएंगे, और खाने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने घर में तैयार किया है या कि बाज़ार से ला के रखा है। ये देखिए हमारा आटा थोड़ा थोड़ा सा बीच में अभी थोड़ा सख्त हो रहा है, मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया, इसको फिर दबा दें, इकट्ठा एक जान हो जाए तो फिर ये इसका मतलब है तैयार होने लग जाए आटा आपका। वैसे तो गुलाब जामुन हो या रसगुल्ले तो ये खुश्क दूध में बनते हैं, लेकिन ये भी ज़ाहिर है मैदा है, खुश्क दूध और मैदे को मिला के आप ये बनाते हैं। अब हमने खाली डबल रोटी से बनाएंगे और उसके जायके में और इसके जायके में वो कहते हैं ना 19-20 का फ़र्क भी नहीं है। मैं इसको ज़रा अच्छा सा गूंद लूँ, गूंदने के बाद हम इसको ठहरा देंगे तकरीबन कोई 5-6 मिनट और ये फूल जाएगा। ये देखे गूंद गया हमारा आटा, देखिए हमारी डो तैयार है उसकी, रख देते हैं उठा के।
और अब हमारा नेक्स्ट है जो स्टेप, वो देखें हम इसमें तकरीबन 2 कप पानी के रखेंगे, बल्कि 2 कप तो ज़्यादा ही है, लेकिन मैंने तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी रखना है। और इसमें देखिए गैस रखा हमारी है, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मैं सोची थी थोड़ी सी गैस तेज़ हो जाए, तो मैंने ये देखे पानी रख दिया चूल्हे के ऊपर। और ये ऐसा आग में ही थोड़ा सा जब जैसे तैयार होगा तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप चीनी डाल दूँगी, और इसके साथ इलायची भी आप डालें या ज़ाफ़रान के जो बारीक पत्ते होते हैं ना वो भी डाल दें। देखिए मैंने तकरीबन 1.5 कप ही चीनी थी मेरी, मैंने इसमें पानी में ऐड कर दी, और इसको साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे, चम्मच जब तक चलाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा शीरा ना तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा शीरा भी नहीं करना है, दरमियाना रखना है, और चम्मच इसलिए चलाते हैं चीनी नीचे लग ना जाए, वरना इसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाएगा। लेकिन हमने इतना ज़्यादा भी नहीं करना, इसमें इलायची के पीस मैंने दाने थे वो पीस के इस पानी में रख दिए, डाल दिए चीनी के साथ ही, इसको चम्मच चलाते रहें। वैसे भी घर में हमें इस तरह की मीठी चीज़ें बना के रख लेनी चाहिए कि खाने के बाद, ये सुन्नत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि थोड़ा बहुत मीठा खा लें, तो हम लोग सुन्नत तो पूरी कर ही सकते हैं, इंशाल्लाह फर्ज भी पूरे करेंगे हम, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें सबको तौफीक दे, हिम्मत दे, और हमारे वतन के ऊपर से हर मुश्किल परेशानी उठाए, हर घर में बरकत दे, हर किसी के खाने में अल्लाह ताला बहुत बरकत दे, हमारे बच्चों को अल्लाह ताला हर चीज़ नसीब करे। देखिए तकरीबन पानी मेरा पकने लगा है, बस गैस की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, इसलिए स्लो काम चल रहा है, लेकिन हम भी काम करके ही छोड़ेंगे। देखिए चीनी बिल्कुल घुल गई है माशाल्लाह, देखिए तकरीबन होने लगी है मेरी, शीरा तैयार होने लगा, जी हाँ हो ही गया। बल्कि अब हमने जनाब फ्राई पैन, ये जो फ्राई पैन मैंने रखा हुआ है इसी ऐसे ही काम के लिए रखा हुआ है जिसमें ये चीज़ें वो फ्राई की जाए। अब मैंने जो मैंने डो तैयार करके रखी है डबल रोटी की, अब इसको गोल बॉल की शक्ल दे देंगे, और एक एक बॉल करके तैयार करके इसमें डालते रहेंगे। हल्की आग है, वैसे ही हमने कम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, तो यही हमारे लिए बेहतरीन है कि इसमें अच्छे तरीके से हमारी डिश तैयार हो जाएगी। इसको अच्छे तरीके से दबा लें, डबल रोटी का जब आप बॉल बनाने लगे पहले उसको लेकर उसको दबाना है ताकि उसके अंदर कोई खला या हवा सी ना मौजूद हो, वरना ये टूट जाएंगे। ये देखिए मैंने ये तैयार कर लिए हैं बॉल, अब हम एक एक करके इसमें डालते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए माशाल्लाह हमारा जो घी है वो इतना गर्म है कि डालते ही हमारे गुलाब जामुन तैयारी पकड़ने लगे हैं। ये देखिए तकरीबन मैंने ये 8 पीस थे डबल रोटी के, जिससे मैंने ये गुलाब जामुन की बॉल तैयार कर ली है। अब इसको हम फ्राई पैन को थोड़ा सा घुमाते रहेंगे ताकि घी इसके अच्छे तरीके से ऊपर भी आ जाए। ये देखिए इस तरह हल्के हल्के करें, नहीं ये भी बड़ा ख़तरनाक मामला हो जाता है कि खुदा ना खास्ता हाथ से छूट ना जाए, घी गर्म है, बड़े हल्के हल्के से करते रहें। ज़ाहिर बच्चियाँ जो हैं वो इतना एक्सपर्ट नहीं होती हैं, लेकिन औरतें तो कर ही सकती हैं। देखें मैं चेक करती हूँ नीचे से, लेकिन अभी ये हुआ नहीं है, नीचे से ब्राउन रहेगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा हमने डार्क करना है जो असली शक्ल है गुलाब जामुन की। देखे कोई कलर डाले बगैर
हम गुलाब जामुन तैयार कर दिया है। इंशाल्लाह बिल्कुल वो गुलाब जामुन वाला रंग हो जाएगा इसका। आहिस्ता आहिस्ता पलटते हैं, थोड़ा सा ब्राउन हो गया, दूसरी तरफ से भी हो जाए, लेकिन अभी ये इतना तैयार नहीं हुआ कि इनको पलटा जाए। ये देखिए माशाल्लाह हल्का सा हुआ है। अब ये इन्होंने अपनी जगह खुद छोड़ दी है, वरना नीचे चिपक रहे थे। थोड़ी देर गर्म होने के बाद इन्होंने अपनी जगह छोड़ने शुरू कर दिए और साथ आराम से पलटे भी जा रहे हैं। ये देखिए ज़रा ये थोड़ा सा चिपक जाते हैं ना, डबल रोटी है तो नीचे घी में चिपक जाती है, तो लिहाजा मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी इनके साथ, वरना टूट जाएंगे। बस एक बार ये पलटे गए तो फिर ये सख्त भी हो जाएंगे और आराम से फिर दोबारा पलटे जाएंगे। थोड़ा सा एहतियात वाला काम होते हैं ऐसी चीज़ें। ये देखें ये जी जनाब, थोड़ा सा हम इसको फिर घुमा लें घी को अच्छे तरीके से, ताकि गुलाब जामुन एक कलर जो आगे पीछे सारी तरफ से। देखिए माशाल्लाह लाइट ब्राउन होते जा रहे हैं। अभी हम तकरीबन कुछ मिनट रखेंगे कि ये डार्क हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं फिर से कह रही हूँ कि बाजी समीना के चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी अपनी बहन आपके प्यार और मोहब्बत की मुंतज़र। इस वक्त रात के तकरीबन 11 बजने लगे हैं, थोड़ी सी नींद का खुमार भी चढ़ रहा है, लेकिन ये मैंने तैयार करने हैं। मैंने सोचा आज ये करके ही खाएंगे इंशाल्लाह। आप कहीं भी जाएं, पाकिस्तान की पहचान बने, दुनिया के किसी कोने में भी जाएं, पाकिस्तानी खाने इस्तेमाल करें, पाकिस्तानी खाने और पाकिस्तानी लिबास और पाकिस्तानी ये देखें माशाल्लाह डार्क हो गए हमारे गुलाब जामुन। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जी तकरीबन हमारे तैयार होने लगे माशाल्लाह। इतने में जो मेरे पास जो मैंने उसका शीरा तैयार करके रखा हुआ, ये याद रखिएगा कि वो जब ठंडा हो जाए तब उसके अंदर ये आपने गुलाब जामुन डालने, वरना अगर आप गर्म में डालेंगे तो वो खुल जाएंगे, फट जाएंगे आपके गुलाब जामुन। ये देखिए पानी हमारा ठंडा हो गया, बिल्कुल परफेक्ट जैसा मुझे चाहिए था। अब हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसमें एक एक करके गुलाब जामुन डालते रहेंगे और तकरीबन 5-6 मिनट के लिए हम ऐसे छोड़ देंगे, तो ये फूल के बड़े हो जाएंगे और नरम भी हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे गुलाब जामुन तैयार है, और इसको एंजॉय करें। बाजी समीना को अब इजाज़त दें, चलते चलते पाकिस्तान का नारा पाकिस्तान जिंदाबाद। दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह।